देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेशन गिवन है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे साइन एक्स प्लस एल्फा में, तो क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन एक्स प्लस एल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कोस एल्फा प्लस कोस एक्स इंटू साइन एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो, अब इस न्यूमिनेटर में इस डिनोमिनेटर साइन एक्स को हम यदि सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आ जाएगा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, तो आ जाएगा कोस एक्स सॉरी कोस एल्फा प्लस कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट एल्फ कोटा एक्स इंटू साइन एल्फा। ठीक है, इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू कोस एल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एल्फा कॉन्स्टेंट है, तो यह आ जाएगा एक्स इंटू कोस एल्फा प्लस कोट एक्स साइन एक्स सॉरी साइन एल्फा सबसे पहले कॉन्स्टेंट है एंड कोट एक्स का क्या हो जाएगा, देखो कोट एक्स का करने के लिए हम इसको टी लेंगे और साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कोस एक्स, तो आ जाएगा एल एन साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, इजी है।